हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो अभी फिलहाल अपलोड करी है जिसमें हमने निफ्टी के आउटलुक से रिलेटेड बातें करी है। पूरा यहाँ पर व्यू आपको देने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है कि मार्केट में गिरावट हुई है तो किस वजह से गिरावट है, और गिरावट नहीं बस आंखों का धोखा है एक तरीके से, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी प्रेडिक्शंस के मंडे को क्या होगा वो यहाँ पर आज का मार्केट यूएस वगैरह का मार्केट देख के और FIs का डेटा देख के तब यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर छोटी सी वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक पर्टिकुलर स्टॉक से जिसका नाम है SBI कार्ड्स। लगभग दो दिन से ये गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, और इसपे इससे रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आती हुई नजर आ रही है कि सर हमने यहाँ पर शेयर ले रखा है, हमने यहाँ पर शेयर ले रखा है। तो उसी का मैं जवाब देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा एग्जैक्टली कि आपको क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है और क्या एग्जैक्टली होता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे, आपकी क्वेरीज सॉल्व होती रहे। ओके, आप वीडियोस को लाइक भी करिए क्योंकि लाइक करेंगे तो वीडियोस आगे बढ़ाई जाएगी यूट्यूब के थ्रू, तो और भी ज्यादा लोग देखेंगे एज वेल एज हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट यहाँ पर बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाना, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और हमारा टारगेट 10,000 का है कि 10,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक वीडियोज आपके लिए लाई जाए। तो हम बात कर रहे हैं SBI कार्ड्स की। तो SBI कार्ड्स क्या खराब शेयर है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, आपने अभी शेयर लिया है, ओके, किसी ने 956 पे लिया है, किसी ने 1000 पे लिया है, तो क्या आपने ये फ्यूचर ऑप्शंस के बेसिस पे लिया है? और क्या जब आपने, अगर मेरी वीडियोस जो लास्ट टाइम मैंने अभी 2-4 दिन पहले बनाई थी, तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि आप जो यहाँ पर जो हमारे टारगेट है, क्या मैंने आपको बताया था कि अगले दिन ही आ जाएंगे? इस चीज के बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में लाके पूछिएगा कि हाँ एग्जैक्टली मैंने क्या ये बोला था। अगर मैंने ये बोला था तो दिस इज माय बैड, तो उसके लिए मैं आई एम अपोलोजाइज, बट मैं बात करूंगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने यहाँ पर बोला था कि शेयर ऊपर जाएगा, ओके, 1200 के टारगेट भी आएंगे, और अब जो टारगेट आएंगे ना वो 1200 के नहीं आएंगे, उससे ज्यादा के आएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। मार्केट गिरी है आज, SBI कार्ड्स आपको दिख रहा है कि गिरता हुआ नजर आया है। क्या SBI कार्ड्स इज द सोल शेयर जो गिरता हुआ नजर आया है? तो उसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखिए लगभग 1.1% और 200 पॉइंट्स यहाँ पर निफ्टी 50 गिरता हुआ नजर आया, निफ्टी मिड कैप भी इससे ज्यादा गिरता हुआ नजर आया, निफ्टी स्मॉल कैप भी गिरता हुआ नजर आया है। तो सारी की सारी मार्केट, ओके, कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी मॉर्निंग में भाग लिए थे उन्हें छोड़ के जो 7% 10% 20% ऊपर थे वो ऊपर थे, बट उन्हें छोड़ के बाकी शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आए थे। तो देखिए कल हमने यहाँ पर अब एक वीडियो बनाई थी, ओके, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट दीजिए मुझे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखिए ये वीडियो बनाई थी रेपको होम फाइनेंस, तो 20% का अपर सर्किट आज लगता हुआ नजर आया है। तो ये क्या पहले से पता रहता है? पहले से नहीं पता रहता, चार्ट यहाँ पर बताते हैं कि चार्ट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। तो SBI कार्ड्स का जब यहाँ पर हमने वीडियोस बनाई थी तो मैंने आपको सिंपल बताया था, क्या बताया था कि ये देखिए यहाँ पर जब भी रेजिस्टेंस के पास चीजें जाती है, समझिए, रेजिस्टेंस के पास जब भी चीजें जाती है तो वो क्या होती है, रिट्रेस होती है, गिरती है, गिरने के बाद फिर भागती है। अगर शेयर में पोटेंशियल है तो दोबारा भागेगी, ओके, तो शेयर में पोटेंशियल है तो सबसे पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। SBI कार्ड्स करता क्या है? HDFC के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा यहाँ पर कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके, एज वेल एज बहुत लंबे चौड़े इनके ग्राहक है, और एक शेयर ओनली सोल शेयर है जो मार्केट में लिस्ट है, तो सारा फायदा इसी को होना है। बेकार कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी तो भी इसके लिए आएगी, कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी तो भी इसके लिए आएगी। तो देखिए एज मार्केट की वैल्यू, मार्केट कैप 87,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशो की बात करें 44 है, अच्छा खासा पी रेशो है, डेट वगैरह हम देखते नहीं है, ओके, यहाँ पर देखिए ग्रोथ 5 साल में 34% का प्रॉफिट बढ़ा है, 26% के हिसाब से सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, हाईएस्ट एवर 20 नंबर्स आ रहे हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आ रहा है, और पिछले 10-11 साल में
जिस तरीके का परफॉर्मेंस इसने दिया है वो भी यहाँ पर काबिलियत तारीफ है। तो यहाँ पर मार्केट पहले तो शेयर गिर रहा था इस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से, बट वो शेयर अब इन्होंने बेच दिया, तो अब इस वजह से नहीं, कुछ एक न्यूज थी उस वजह से, और न्यूज का इफेक्ट कल तक ही था, वो कल तक गिर के खत्म हो गया था। आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर गया भी था, 978 के आसपास का इसने हाई बनाया, ओके, और उधर से गिरता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि पूरी मार्केट गिरती हुई नजर आई, तो इसका जो दूसरा सपोर्ट था वो भी टूटता हुआ नजर आया। और यहाँ पर बात करें तो एक तो ये एक सपोर्ट यहीं पर ही नजर आता है, ओके, और एक अच्छा सपोर्ट यहाँ नजर आता है, तो ये दो सपोर्ट है, इन दो सपोर्ट से नीचे शेयर नहीं जाने वाला, सबसे पहली बात, ओके। और दूसरी बात, अब ज्यादा ही मार्केट में बिल्कुल ही नेगेटिविटी रही तो ऑब्वियसली बात है, तो शेयर तो इससे भी नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि नोबडी नोज, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली मार्केट में होगा क्या, बट अगर जो हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, जो हम मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट एग्जैक्टली चलती कैसे है, उसके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बातें बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर दो तीन बार टच करके चीजें ऊपर गई थी, यहाँ पर भी देखिए एक दो यहाँ पर टच करके ऊपर गई है चीजें, ओके, एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर ही आके ऊपर से जब गिरा है मार्केट, तो यहीं पर ही आके अब शायद यह यहाँ से ऊपर चले जाए, और अगर यहाँ से नीचे भी गिर जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, ये 900 रुपए का लेवल होगा, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, चाहे तो आप यहाँ पर शेयर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद शेयर यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जब मैंने यहाँ पर बात करी है ना कि ये हमारे टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे, तो शेयर ऑलरेडी देखिए कितना भाग लिया है, 600 रुपए से यहाँ पर 1400 रुपए, लगभग 40% शेयर ऑलरेडी भाग लिया, थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए ना। कोई भी चीज लगातार नीचे नहीं आती, कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती, रिट्रेसमेंट नाम की चीज होती है। और अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज देखिए, यहाँ पर देखिए शेयर में हुआ क्या है, शेयर यहाँ पर क्या करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनाया है, शोल्डर, ओके, ये क्या बनाया बनाया हेड, और यहाँ पर जो नीचे आया है ना, ये मेरे लिए तो खुशी की बात है कि यहाँ से नीचे आया। क्यों? क्योंकि मेरे टारगेट और बड़े हो गए, जो यहाँ पर टारगेट आ रहे थे ना, केवल इतने ही टारगेट आ रहे थे कि 1300-1400 रुपए के टारगेट आ रहे थे, ये टारगेट अब और शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अगर पहले नहीं बताया होगा, तो ये टारगेट और भी ज्यादा बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से टारगेट, और क्या टारगेट आ रहे हैं, हाँ, तो देखिए मैंने ये पहले ही बता दिया था कि इस तरीके से मार्केट, मैंने देखिए पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पर अगर ये इस तरीके शोल्डर बनेगा, ये हेड बनेगा, और चीजें यहाँ पर से थोड़ी सी नीचे आएगी और फिर शोल्डर बनता हुआ नजर आएगा, तो पहले ही प्रेडिक्ट करके मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से टारगेट कितने आ रहे हैं, 1400 रुपए के टारगेट आ रहे हैं। देखिए इस बार यहाँ पर बार बार चीजें जब ऊपर जा रही थी तो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ना, ये बेचता हुआ नजर आ रहा था, इस वजह से शेयर नीचे बार बार ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, फिर ये मार्केट में गिरावट आ गई थी, ओके, इस वजह से नीचे आया था। बट इस बार इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसके पर्टिकुलर ये ग्रुप है ये तो बेच के निकल गया है, आप देख सकते हैं 0-0 है, ओके, और यहाँ पर शेयर केवल लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर एक्युमुलेशन कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब अभी ये शेयर ऊपर जाना शुरू करेगा, ओके, तो यहाँ पर टारगेट जो यहाँ पर ये इस लेवल को तो निकालेगा ही निकालेगा और ऊपर जाएगा। आप सोचेंगे देखिए सीधे लगातार ऊपर चले जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, वो अपर सर्किट लोअर सर्किट शेयर में होता है। और यहाँ पर भी देखिए एक बार इस लेवल पे आने के बाद 1156 आने का चीजें फिर नीचे आएगी, यहाँ पर लिख के ले लीजिए 1156 आने का फिर चीजें नीचे आएगी, शायद यहाँ पर 1026 तक आ जाए, और फिर इसके बाद फिर ऊपर भागेगा, और फिर हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर दूसरा बन जाएगा, जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर दूसरा बनेगा उसके हिसाब से जब अगर हम टारगेट नापेंगे तो उसके हिसाब से टारगेट और बड़े आ जाएंगे। तो यहाँ पर और देखिएगा फिर यहाँ पर टारगेट क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये टारगेट आ गए, तो इसके हिसाब से फिर 1700-1750 के टारगेट आ गए। तो चीजें इसी तरीके से चलती है, आपको समझना होगा, अगर आपने अभी खरीद लिया है लॉस हो रहा है कोई परेशानी नहीं है, ओके, मैंने यहाँ पर ऊपर के लेवल पे खरीद रखा था, लगभग 300 रुपए नीचे आ गया था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इस इधर मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने एक गलती यहाँ पर कर दी थी, यहाँ पर जब मैंने आईपीओ में लिया था नीचे बेच दिया था, लॉस में बेच दिया था, उसके बाद रैली देख लीजिए। तो यहाँ पर चीजें सीखनी होती है, हमें हिस्ट्री से सीखनी होती है। अब यहाँ पर देखिए मैं अगर बेच देता तो मैं यहाँ पर कुछ भी एवरेज नहीं कर पाता, और चीजें अब दोबारा नो लॉस नो प्रॉफिट पे भी आ गई है, अब यहाँ से सीधे मुझे प्रॉफिट और प्रॉफिट ही दिखाई देता। यहाँ पर मैं तो आपको केवल दिखा रहा हूँ कि 1300-1400 या 1600-1700 तक जाएगा, मेरा टारगेट तो और ऊपर का है। यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ना, इसने 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 6000 करोड़ में बेच के पूरी होल्डिंग, लगभग 4000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है।
तो याद रखिए जब 4,000 करोड़ का उसे प्रॉफिट हो सकता है तो हम यहाँ पर पैसे लगाएंगे और हम 2-4 साल इसे दे देते हैं तो हमें हमारे पैसे कितने मल्टीप्लीकेशन होंगे, तो चीजें समझनी है। ओके, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, आपने अभी खरीद लिया या किसी ने यहाँ पर खरीद लिया, किसी ने यहाँ खरीद लिया, किसी का यहाँ पर है और किसी का यहाँ पर भी होगा, तो डरने वाली बात नहीं है, होल्ड करके रखो। यहाँ पर रिकवरी बता रही है कि शेयर कितना बेहतरीन है, नंबर बता रही है कि शेयर कितना बेहतरीन है, तो मैं नहीं बताता, ये सारी चीजें बता रही है। यहाँ पर स्प्लिट भी होगा, बोनस भी मिलेगा, सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। 10,000 का टारगेट है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।